हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओरिजिन। एंड आज के इस लेसन में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे क्लास 12th के इंग्लिश टेक्स्ट बुक का फर्स्ट लेसन, द लास्ट लेसन। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। ओके, जोक्स अपार्ट, आज का जो हमारा सेशन है वो प्रॉपर एग्जाम ओरिएंटेड है। आपने थंबनेल में देखा होगा टारगेट 95+, तो हम सिर्फ वही चीजें आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आएगी, ना उनसे कम ना उससे ज्यादा। इस सीरीज का जो पर्पज है वो मेन पर्पज ये है कि हर स्टूडेंट्स को मेन सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करने होते हैं, एंड जो लैंग्वेज के सब्जेक्ट होते हैं उनमें वो कम टाइम देता है। सो इस वीडियोस के थ्रू मैं आपको ये प्रोवाइड कराना चाहता हूँ कि जब ये 30 मिनट्स या 35 मिनट्स के आसपास का ये वीडियो जब एंड हो, तो इस वीडियो के एंड में आपको वो सारी चीजें मिल जाए, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत ना हो, एंड ये इस वीडियो का मेन एम है। सो इस वीडियो में ये सारी चीजें करने के लिए क्या क्या हम आज देखने वाले हैं वो है स्केच। सबसे पहले हम इस स्टोरी में क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है ये शॉर्ट रिव्यू में देखेंगे बिना किसी डिटेल के, 1 मिनट के आसपास। देन स्टोरी की समरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पूरे जो वीडियो है हमारा आज का, उसका जो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेशन होगा वो होगा स्टोरी समरी। अगर ये चीज आपने अच्छे से समझ लिया, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला एग्जाम के नए क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में, या जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे आप सभी को इजिली अटेम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा होगा क्वेश्चंस। क्वेश्चंस भी हम बहुत सारे करने वाले हैं, जिससे कि देखिए क्वेश्चंस का जो ग्रुप मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर जब आपको पता चल जाएंगे या जिनके आंसर जब आप बना लेंगे, सो जब भी नए क्वेश्चंस आएंगे उनके आंसर्स भी इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर से ही मिलेंगे। कोई नए क्वेश्चंस बनेंगे ही नहीं इसके बाद, नए क्वेश्चंस बनेंगे बट आंसर सेम होंगे। इस टाइप से क्वेश्चंस मैंने सॉर्ट आउट किए हैं। सो क्वेश्चंस में क्या क्या होंगे, PYQs, लॉन्ग आंसर्स एंड शॉर्ट आंसर्स। ये हमारा आज के इस सेशन का छोटा सा ओवरव्यू है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस सेशन में आपको NCERT बुक अपने सामने नहीं रखना है। सारी चीजें आप बंद कर दीजिए, अब आपका फोकस सिर्फ इस वीडियो में होना चाहिए, क्योंकि अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्टोरी की समरी। उससे पहले एक छोटा सा स्केच देख लेते हैं इस चैप्टर का कि इसके कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। इसमें हमारे दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है, ओके, फ्रेंड्स एंड एम हैमल। फ्रेंड्स जो है वो स्टूडेंट है, एंड एम हैमल जो है वो उसका फ्रेंच लैंग्वेज का टीचर है। ये दो मेन कैरेक्टर्स हैं, बाकी छोटे छोटे कैरेक्टर्स आपको इस स्टोरी के अंदर पता चलते जाएंगे। शॉर्ट समरी ये है कि 1870-71 में जब फ्रांस और प्रूशिया के बीच में वॉर हुआ था, उस टाइम की स्टोरी है। तो प्रूशिया ने फ्रांस को हरा दिया था, एंड फ्रांस के जो दो डिस्ट्रिक्ट थे एल्सेक एंड लॉरेन, उन दो डिस्ट्रिक्ट से फ्रेंच लैंग्वेज को हटाने का रूल आया था। एंड जो प्रूशिया का जो आर्मी था उसका लीडर कौन था, नेपोलियन बोनापार्टे। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, ये एग्जाम के में आने वाली चीजें नहीं, बस आपको ये चीज एक बार समझ में आनी चाहिए। तो इस स्टोरी में हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से जब कोई चीज लोगों से छिन जाती है तो क्या क्या उनके दिमाग में फीलिंग्स आती है, उनके मन में कैसी कैसी फीलिंग्स आती है उस चीज को लेके, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे हमारे दो कैरेक्टर से रिलेट करके, फ्रेंड्स एंड एम हैमल। सो ये छोटा सा स्केच था इस स्टोरी का। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको सारा फोकस अब इस वीडियो में लगाना है, एंड वो है स्टोरी की शॉर्ट समरी। सो हम आई गेस हम रेडी हैं उस समरी के लिए। अब आपका ध्यान पूरा इस वीडियो में होना चाहिए, क्योंकि ये जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस वीडियो का पार्ट है। ओके, द लास्ट लेसन बाय अल्फोंस टॉले। सुबह सुबह जब फ्रांस सो के उठा तो वो देखता है कि खिड़की के बाहर काफी अच्छा मौसम है, चिड़ियों की चहचहाहट की आवाज आ रही है, प्रूशिया के जो सैनिक थे वो मार्च पास कर रहे हैं, एंड हवा काफी अच्छी चल रही है। उसके मन में एक टाइम के लिए ऐसा आता है कि क्यों ना आज स्कूल बंक मार के घर से भाग जाया जाए थोड़ी देर के लिए और मौसम का मजा उठाया जाए, चिड़ियों के पीछे भागूं, खुली हवा में दौड़ूं, नदियों में तैरूं, ये सारी चीजें उसके मन में आने लगी। एंड उसको ये भी डर था कि एक दिन पहले उसके फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर एम हैमल ने उससे पार्टिसिपल्स याद करने के लिए होमवर्क दिया था जो कि उसने कंप्लीट नहीं किया था। इस चीज का उसके अंदर डर था, इसलिए उसको और मन नहीं कर रहा था स्कूल जाने का। होता यह है कि वो काफी हिम्मत करके ये सारे टेम्पटेशंस को दूर करके स्कूल जाने के लिए रेडी होता है। उस दिन फ्रेंड्स अपने घर से स्कूल जाने के लिए थोड़ा देर से निकला, क्योंकि उठने में भी उसको काफी लेट हो चुका था, उसका माइंड कहीं और जा रहा था।
बट हिम्मत करके वो स्कूल के लिए निकला, घर से लेट निकला, टाउन हॉल में। टाउन हॉल वो जगह है जहाँ पिछले 2 साल से सारी बुरी खबरें वहीं मिली जा रही है। जब वो टाउन हॉल पहुँचता है तो वो देखता है कि टाउन हॉल में बहुत भीड़ है। वो उसको ध्यान नहीं देता क्योंकि उसका ध्यान अभी स्कूल में है कि मुझे स्कूल पहुँचना है टाइम पे, और एम हैमल तो मुझे आज बहुत डांटने वाले हैं, हो सके तो स्केल से मारेंगे भी, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत खड़ूस टीचर के नाम से वो एम हैमल को जानता है। वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता एम हैमल से पढ़ना और उनसे काफ़ी डरता भी है वो। सो टाउन हॉल को वो इग्नोर करते हुए तेजी से दौड़ते हुए, हाँफते हुए, पूरा उसकी सांस भरी हुई है, वो तेजी से जा रहा है। तो टाउन हॉल के पास एक ब्लैक स्मिथ था, वो उसको बोलता है कि अरे इतनी तेजी से मत जाओ, अभी बहुत टाइम है तुम्हारे स्कूल पहुंचने में। उसको लगता है कि आदमी मेरा मजाक उड़ा रहा है, वो उस पर ध्यान नहीं देता और वैसे ही तेजी से भागते हुए वो चला जाता है। अब होता क्या है, जब वो स्कूल पहुंचता है तो वो ध्यान देता है कि स्कूल नॉर्मल डे जैसा नहीं है। बाकी दिन किस तरीके से, आपने भी अपने स्कूल में देखा होगा, जब क्लासेस स्टार्ट नहीं हुए रहती है तो किस तरीके से स्कूल के कॉरिडोर में बच्चे खेलते कूदते रहते हैं, शोरगुल रहता है, ग्राउंड में खेल रहे होते हैं, काफ़ी भागते दौड़ते रहते हैं, बहुत भीड़ भाड़ होती है, काफ़ी एक अच्छी सी हलचल होती है स्कूल में। बट उस दिन ऐसा कुछ नहीं था। उसे लगा शायद आज मैं लेट हूँ या शायद आज क्लास जल्दी स्टार्ट हो गया, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही होगी। उसने इसको इग्नोर किया और वो अपने क्लासरूम तक पहुँचा। अब जब वो क्लासरूम में जाता है तो वो काफ़ी डरा हुआ है, उसको शर्म भी आ रही है कि मैं लेट पहुँचा हूँ। अब उसको भरी हुई क्लास में सबके सामने चल के अपने सीट तक जाना था, ये चीज़ें उसके दिमाग में चल रही है। जैसे ही वो डोर ओपन करके अंदर जाता है, वो देखता है कि आज सभी बच्चे अलग सी शांति है क्लास में, सभी बच्चे काफ़ी शांति से बैठे हैं, कोई किसी से एक दूसरे से बात नहीं कर रहा, एक चेहरे में अलग सी इमोशन है एक अलग टाइप का। एंड सबसे अलग और सबसे यूनिक बात उसको वो लगी कि जो लास्ट बेंच पूरे साल खाली रहते हैं, आज उनमें गांव के जो बुजुर्ग हैं वो आके बैठे हैं। ये उसको काफ़ी अलग लगा कि ऐसा क्यों, ऐसा क्या है आज। और ये सब चीज़ देखते हुए जब वो अपनी सीट पे पहुंचा और शांत हो ही रहा था कि उसने अपने फ्रेंच टीचर एम हैमल को देखा। एम हैमल काफ़ी सिंपल ड्रेस के साथ वो बाकी दिन स्कूल आते थे, बट आज ऐसा नहीं था। आज वो अपना स्पेशल सूटिंग पहन के आए थे, अपना स्पेशल अटायर पहन के आए थे, जो जनरली वो उन दिनों में पहनते थे जब या तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हो या फिर कोई स्पेशल ओकेशन हो। उनके उन्होंने नया कोट डाला था, उन्होंने शूज पहने थे, काफ़ी अच्छे से ड्रेसिंग उन्होंने की थी। फ्रेंड सोचने लगा कि आज तो ना ही कोई स्पेशल ओकेजन है, ना ही आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है, फिर आखिर क्यों एम हैमल ने ऐसे नए कपड़े पहने। ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स के माइंड में चल रही थी। उसी बीच एम हैमल अपने चेयर से खड़े हुए, क्लास का टाइम हो चुका था, क्लास उन्होंने स्टार्ट की और उन्होंने अनाउंस किया कि बर्लिन से हेडक्वार्टर से ऑर्डर आया है कि एल्सिक एंड लॉरेन के डिस्ट्रिक्ट्स में फ्रेंच लैंग्वेज नहीं बोला जाएगा, फ्रेंच लैंग्वेज को हटाया जाएगा एंड न्यू जर्मन लैंग्वेज वहाँ इम्पोज किया जाएगा। जैसे ये ऑर्डर सुना, फ्रेंड्स शॉक्ड हो गया। अब वो अपने लिए काफ़ी गिल्ट फील करने लगा कि क्यों मैं ऐसे यूजलेस चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करता था, जैसे चिड़ियों के अंडों के पीछे अंडे चुराना, नदियों में तैरना, ऐसी चीज़ों में, यूजलेस चीज़ों में टाइम वेस्ट करके मैंने फ्रेंच सीखने का मौका गवा दिया। उसको एम हैमल के लिए भी काफ़ी बुरा लग रहा था कि 40 साल से उन्होंने इस स्कूल को सर्विस दिया है तो उनके लिए कितना हार्ट ब्रेकिंग होगा। अब फ्रेंड्स को डर लगने लगा कि वो आज के बाद कभी एम हैमल को नहीं देखेगा, उसको डर लगने लगा कि आज के बाद वो कभी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीखेगा। अब वो जो स्ट्रिक्टनेस थी एम हैमल की, वो जो खड़ूसपन लगता था उसको एम हैमल में, वो सारी चीजें भूल के अब उसको एम हैमल में बहुत प्यार आ रहा था। उनके लिए एक अलग सी इमोशन उसके अंदर आ गई थी और सबसे मेन चीज जो उसके मन में आ रहा था वो ये था कि अब मैं फ्रेंच कभी नहीं सीखने वाला, और जो उसके बुक्स जो एक टाइम पे उसको बर्डन लगते थे वो आज उसको अपने सबसे अच्छे दोस्त लगने लगे थे। ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स के मन में चल रही थी। उसी बीच एम हैमल ने अपना क्लास स्टार्ट किया और एम हैमल याद दिलाते हैं कि पिछले क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था पार्टिसिपल्स याद करने का। फ्रेंड्स के माइंड में फिर से क्लिक किया, अरे मैंने तो किया ही नहीं है। अब एम हैमल बोलते हैं आपको मैं एक एक करके पूछूंगा। वो सबसे पहले फ्रेंड्स को खड़े कराते हैं। फ्रेंड्स अपने टेबल पे खड़ा होता है, अपने जगह पे
नोटबुक उठाता है एंड एक लाइन उसके मुंह से नहीं निकलती, क्योंकि उसने तो पार्टिसिपल्स पढ़ा ही नहीं था। अब वो काफ़ी ऑकवर्ड हो जाता है और शांति से वैसे ही काफ़ी देर तक खड़े रहता है और फिर बैठ जाता है। एम हैमर बोलते हैं कि इसमें फ्रेंड्स की कोई गलती नहीं है और वो सारा ब्लेम खुद पे और पेरेंट्स पे डालते हैं। एम हैमर कहते हैं कि इसकी जो मेन गलती है वो मेरी है, क्योंकि मैंने जब मुझे फिशिंग करने का मन करता था मैं इनको छुट्टी दे देता था, मैं इनसे अपने पर्सनल काम कराता था पढ़ाना छोड़ के। एम हैमर बोलते हैं कि गलती पेरेंट्स की है। पेरेंट्स की क्यों गलती है? पेरेंट्स इन्हें काम पे भेज देते थे पढ़ने पर, पढ़ाई पे ध्यान देने बोलने की जगह। पेरेंट्स इन्हें खेतों में भेज देते थे पढ़ाई करवाने की जगह। ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई और ये सारा ब्लेम उन्होंने पेरेंट्स और अपने ऊपर लिया। उसके बाद एम हैमर ने अपना लास्ट लेसन पढ़ाना स्टार्ट किया और काफ़ी अच्छे से वे पढ़ा रहे थे। और अब जो फ्रेंड्स है उसको पता चलता है कि नहीं, जो बाकी दिन का क्लास था उससे आज का क्लास काफ़ी डिफरेंट था। फ्रेंड सोचता है कि आज पहली बार ऐसा लगा कि एम हैमर ने अपने लाइफ का बेस्ट लेसन दिया। जो उसके फ्रेंड के टीचर के मुंह से एक एक जो वर्ड्स निकल रहे थे उसको काफ़ी क्लियर सुनाई दे रहे थे और एक एक कॉन्सेप्ट उसको अच्छे से याद ध्यान में आ रहे थे और सारी चीज़ें उसको याद हो रही थी। वैसा सोच रहा था कि लाइफ में इससे ज़्यादा अच्छा लेक्चर मैंने कभी नहीं सुना। लेक्चर एंड हुआ, एम हैमर खड़े हुए। वो उस दिन सभी के लिए नोटबुक लेके आए थे और उन्होंने सबको नोटबुक दिया और सबको सभी से कहा कि इस पर आप फ्रेंच में कुछ कुछ लिखिए। अब सब कुछ कुछ ट्राई करने लगे, जो छोटे छोटे बच्चे थे क्लास में वो कुछ भी घिसने लगे ये समझ के कि हम फ्रेंच लिख रहे हैं। और वो नोटबुक का ये सारी चीज़ें ख़त्म हुई। उसके बाद एम हैमर उठे, उन्होंने बहुत अच्छी स्पीच दी फ्रेंच लैंग्वेज के लिए। उन्होंने कहा कि फ्रेंच जो है वो मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड है। उन्होंने कहा कि जब हम अपने नेटिव लैंग्वेज से स्टिक रहते हैं, जब हम अपने लोकल लैंग्वेज के प्रति हमारा प्यार रहता है, हम अपने लोकल लैंग्वेज को कभी छोड़ते नहीं, तो वो हमारे प्रिजन के की का काम करता है, हमारे जेल की चाबी का काम करता है। हमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ, हमारी यूनिटी का मेन रीज़न है हमारा नेटिव लैंग्वेज। जैसे आपने ध्यान दिया होगा कि द की टू अवर प्रिजन एक सेंटेंस, एक फ्रेज इस स्टोरी में यूज हुआ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है। इस चीज पे आपको काफी अच्छे से ध्यान रखना है कि प्रिजन टू द स्टोरी हमें ध्यान में रखना है। क्लियर? अब यहां पे होता ये है कि आपने ध्यान दिया होगा जब जैसे इंडिया का मैच हो रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ, इंडिया का मैच हो रहा है इंग्लैंड के साथ, तो यहां पे हम क्या करते हैं, हमने देखा है कि उन्हें तो हिंदी आती नहीं, तो कई बार धोनी का हमने सुना है कि विकेट के पीछे से वो हिंदी में बात करते हैं जिससे इन्हें समझना है। सो इसी एग्जांपल को अगर हम लेके चले तो एम हैमर का कहना है कि जब कोई हम पे इंस्लेव करता है, जब कोई हमको गुलाम बनाता है, तब जो हमारा वो है क्या कहते हैं उसे, हमारा जो नेटिव लैंग्वेज है वही हमारे लिए उस गुलामी से लड़ने का ताकत बनता है, क्योंकि हमारे आपस के जो लोग हैं, हमारे आसपास के जितने हमारे नेबर्स हैं उनसे हम कम्युनिकेट करते हैं लैंग्वेज के थ्रू, एंड वो लोकल लैंग्वेज जो होता है वही हमारे बीच एक सेंस ऑफ यूनिटी डेवलप करता है। ओके, सो ये चीज उन्होंने इंपॉर्टेंस अपने फ्रेंच लैंग्वेज की बताई कि इससे हमें स्ट्रेंथ मिलता है। उसके बाद जब ये सारी चीजें वे कह रहे थे तो क्लास के जितने लोग थे सब काफी इमोशनल हो चुके थे, सबकी आंखें नम थी, बट मिस्टर हैमर, एम हैमर की आंखें नम नहीं थी, वे स्पीच अच्छे से दे रहे थे। एंड देन 12 बजे का क्लॉक लगा, उनका लास्ट सेशन एंड हो गया था। वो कुछ बोलना चाह रहे थे बट शायद उनके गले में कुछ फंस गया, वो बोल भी नहीं पाए, वो जो बोलना चाहते थे वो उनके गले में आके अटक गया, उनका गला भर गया। उन्होंने बोला तो कुछ नहीं, वे चौक उठाए, पलटे और बोर्ड पे उन्होंने लिख दिया वाइव ला फ्रेंड्स। इंग्लिश में इसका मतलब है लॉन्ग लिव फ्रेंड्स। एंड यहाँ पे जो हमारी स्टोरी है वो हो जाती है एंड। सो इस स्टोरी से हमको क्या सीख मिलती है, इस चीज़ पे हम ध्यान देते हैं। इस स्टोरी से जो हमको मेजर सीख मिलती है वो है कि हमें हमारी लोकल लैंग्वेज पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करना है, हमारे लोकल लैंग्वेज का हमको इम्पोर्टेंस समझना है, क्योंकि जो लोकल लैंग्वेजेस होती है वही हमारे लिए स्ट्रेंथ का काम करेंगी, वो हमारे प्रिजन का की बनेंगी, वही हमें यूनिटी प्रोवाइड करेगी। ये सबसे बड़ा जो लेसन हमको इस स्टोरी से मिलता है वो है। एंड सेकेंड लेसन जो मिलता है अकॉर्डिंग टू मी, ऐसा मुझे लगता है कि ये पॉइंट ऑफ व्यू भी हम स्टोरी का रख सकते हैं कि हमें
वो सारी चीज़ों का इम्पोर्टेंस बाद में पता चलता है जब वो हमारे पास नहीं रहते। जब वो चीज़ हमारे पास रहती है, अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि कोई चीज़ जब हमारे पास रहती है तो हमको इसका इम्पोर्टेंस नहीं समझ आता, हम उसका वैल्यू नहीं करते। बट वो चीज़ जब हमको दूर जाते हुए दिखाई देती है या वो चीज़ जब हमसे दूर हो जाती है तब हमको इम्पोर्टेंस समझ में आता है। तो बेहतर ये होगा कि जो चीज़ हमारे पास है हम उसकी वैल्यू को समझें, जिससे बाद में हमें कोई पछतावा ना हो। सो ये दो चीज़ें जो है वो इस स्टोरी से हमको सीखने को मिलती है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन का सेशंस, एंड मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि क्वेश्चंस मैंने ऐसे प्रिपेयर किए हैं कि आपको इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारे आंसर्स आपके यहीं से क्रिएट हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चंस आपको ध्यान से करने हैं। आपको मैं दो यहाँ पे होमवर्क दूंगा जिसके आपको आंसर्स कमेंट में बताने हैं, एंड जो बेस्ट आंसर होगा वो कमेंट पिन किया जाएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम पढ़े तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर, आप नंबरिंग पे ध्यान मत दीजिए, शायद यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है। ओके, कंटिन्यू करते हैं। व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन। अब ये क्या कहना चाहता है ये क्वेश्चन कि जब बर्लिन से ऑर्डर आया लास्ट लेसन वाले दिन पे, उस दिन क्या क्या चेंजेस आई थी। तो क्या क्या चेंजेस आई थी, स्कूल पूरा खाली था, एमएमएल नए कपड़े पहन के आए थे, स्कूल के लास्ट बेंचेस जो भरे रहते खाली रहते थे आज वो भरे हुए हैं, एंड सब काफ़ी इमोशनल थे। इस टाइप की चीज़ें आज हम इस टाइप के चेंजेस जो थे वो आए थे। ये तीन चार चेंजेस हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, परफेक्ट आंसर इसका बन जाएगा। क्लियर, आपको करना ये है कि आंसर्स याद नहीं करने हैं। इसके सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा, जितने क्वेश्चंस यहाँ हैं इनके सॉल्यूशन आपको पीडीएफ नोट्स में मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं नहीं लिख के लाया क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होता, हमको आंसर से डील कैसे करना है ये जानना है। और आप भी ट्राई करिए कि आंसर याद ना रखें। अगर आप आंसर याद रखेंगे तो कितने क्वेश्चंस का आंसर याद रखेंगे, एक नया क्वेश्चन यहां से खड़े होकर सामने आ जाएगा। बट अगर ये सारे आंसर से आपको डील कैसे करना है स्टोरी पढ़ के, ये अगर आपको समझ आ गया तो फिर कितने भी नए क्वेश्चंस आए आप सबका आंसर लिख देंगे। ओके, सो यहां पे एंड मैं आपको इंपॉर्टेंट लाइंस भी बताते चलूंगा कि कौन कौन से छोटे छोटे लाइंस आपको याद रखने जिससे लगे कि हाँ इस बच्चे को आंसर पता है। सो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द पीपल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रीशियस देयर लैंग्वेज इज टू देम, व्हाट शोज यू दिस, व्हाई डज दिस हैपन। यही मैं आपको बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले, जो मैंने इस लेसन से हमको सीख मिलती है उसकी बात की, कि क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इस स्टोरी में हमको दिखाया गया कि इस स्टोरी में जो लोग हैं उनको अचानक रियलाइजेशन आता है कि हमारा लैंग्वेज काफी प्यारा है, हमारा लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या दर्शाता है और ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होने का रीजन है कि उनका फ्रेंच लैंग्वेज उनसे छिन रहा था, उनको लग रहा था कि अब हम फ्रेंच लैंग्वेज कभी नहीं पढ़ने वाले हैं, इसलिए उनके मन में अपने लैंग्वेज के प्रति इंपॉर्टेंस आया। अब इसमें लिखा है ये क्या दर्शाता है, ये क्या दिखाता है। सो ये हमको दिखाता है कि जब हमारे पास कोई चीज होती है तब हम उसकी वैल्यू नहीं करते, एंड वो चीज जब हमसे दूर जाती रहती है या हमसे दूर चली जाती है तब हमको उसका वैल्यू समझ आता है। परफेक्ट आंसर आपका यहां पे क्रिएट हो गया, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से 40 to 50 वर्ड्स में आपका ये आंसर अच्छे से बन गया। फ्रांस थिंक्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन। अच्छा, यहां पे मैं आपको दो चीज बता देता हूं। मैंने आपको शॉर्ट समरी में जो बताया है उसमें देखिए लाइन टू लाइन रीडिंग हमने नहीं की है एनसीईआरटी की। ये चीज मैं आपको बोल देता हूं कि जैसे ही सेशन एंड होगा आपको बस एक बार, सिर्फ एक बार आपको स्टोरी अपना पढ़ लेना है, जिससे क्या है जो इंपॉर्टेंट लाइंस है एक दो वो मैं अभी आपको बता देता हूं। जैसे आपको एक लिंग्विस्टिक चौविनिज्म वर्ड मिलेगा उसमें, एंड आपको मिलेगा कि फ्रेंड्स जो है वो एक बार खुद से बात करते हुए क्लास में ये सोचता है कि क्या ये पिजन से भी जर्मन में बात कराएंगे, मींस कबूतरों से भी ये जर्मन में जर्मन लैंग्वेज में बात कराएंगे क्या। इसका एक्सप्लेनेशन मैं अभी बताऊंगा, बट आपको ये लाइंस जो है ना, एक दो इंपॉर्टेंट लाइंस है वो आपको याद कर लेनी है। जब एग्जाम टाइम आएगा ना एंड में दिसंबर जनवरी टाइम पे, तब हम एक्स्ट्रा सेशंस इस चीज के लेंगे कि मैं आपको शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा हर चैप्टर्स के, कुछ ऐसे लाइंस जो आपको याद रखने हैं जिसको अगर आप आंसर में लिख देंगे तो आंसर चेक करने वाले को ऐसा लगेगा कि हाँ इस बच्चे को आंसर पता है, एंड आपको पूरे मार्क्स उसमें मिल जाएंगे। ऐसी चीजें हम एग्जाम टाइम में करेंगे, अभी तो हमको फुल चैप्टर डील करना है बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए। बस मोटिव यह है कि आपको चैप्टर समझ में आ जा रहे, बाकी चीज तो हम एग्जाम टाइम पे अच्छे से कर लेंगे। और अब हम चलते हैं अपने इस क्वेश्चन पे कि यहाँ पे जो फ्रेंड्स है वो सोचता है कि क्या ये पिजन से भी जर्मन में बात कराएंगे। अब इसके कई सारे मतलब निकलते हैं, एंड कई सारे मतलब में से एक मतलब अगर यहाँ पे हम निकालें तो उसका मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे जबरदस्ती कोई लैंग्वेज इम्पोज करना गलत है। जैसे पिजन से हम किसी दूसरे लैंग्वेज में बात नहीं करा सकते,
सो इस तरीके की जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, ये एक सीख हमको इसे मिलती है। एंड ये क्वेश्चन जो है वो स्टोरी के अंदर से नहीं, इसको आपको अपने कॉमन सेंस इसका आंसर दे सकते हैं। सो या आप चलिए ये आपके लिए एक होमवर्क है कि आप क्या क्या इस आंसर से सोच सकते हैं, इसको आप कमेंट में बताइए। मैं सारे कमेंट ध्यान से पढ़ूंगा एंड बेस्ट आंसर जो मुझे लगेंगे वो कमेंट पे पिन किए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सेम क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है लिंग्विस्टिक चौविनिज्म। तो यहां पे बस हमको शॉर्ट नोट लिखना है लिंग्विस्टिक चौविनिज्म पे। तो क्या लिख सकते हैं लिंग्विस्टिक चौविनिज्म का, हम मीनिंग यहां पे दे सकते हैं 40-50 वर्ड्स में विद एग्जांपल कि किस तरीके से जो प्रुशिया ने जब फ्रांस को हराया था तो अपना लैंग्वेज उन पे कैसे इंपोज किया था। तो लिंग्विस्टिक मतलब होता है लैंग्वेज से रिलेटेड, लैंग्वेज, एंड चौविनिज्म मतलब होता है ज्यादा ऐसा लगना कि इससे इंपॉर्टेंट चीज कोई है नहीं एंड सारा काम जो पूरा वर्ल्ड है वो यही चीज करे, ये होते हैं लिंग्विस्टिक चौविनिज्म। तो इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, बस हम अभी तो हम आंसर से डील करना सीख रहे हैं, इसके आंसर्स आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। सो इस तरीके से हम इसका आंसर फ्रेम कर सकते हैं कि लिंग्विस्टिक चौविनिज्म का डेफिनेशन, फिर हम एग्जांपल डाल देंगे किस तरीके से प्रुशिया ने फ्रांस पे अपना लैंग्वेज इंपोज किया था। ओके, नेक्स्ट अगर हम यहां पे देखें अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट एम हैमल्स ड्रेस। ये भी हमने डिस्कस किया स्टोरी में कि एम हैमल ने वो ड्रेस पहना था जो वो जनरली स्पेशल ओकेजंस या फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में पहनते थे। काफी डिफरेंट अटायर उन्होंने पहना था, अपने नॉर्मल ड्रेसिंग से अलग था। सो ये इसका आंसर हो जाएगा कि वो ऐसे उन्होंने वो वाले कपड़े पहने थे जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन या किसी स्पेशल फंक्शन पे पहनते थे। उन्होंने ग्रीन कलर की कोट डाली थी, उन्होंने हैट लगाया था, उनका पैंट थे, उनके शूज थे एंड डिफरेंट अटायर था और फॉर्मल ड्रेस थे, काफी अच्छे दिख रहे थे। इस स्टोरी में आपको एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है एम हैमल के ड्रेसिंग के बारे में, उसको एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ओके, सो छोटी सी वो पैराग्राफ है, सारा आंसर उसी में है। व्हाई डस एम हैमल ब्लेम द पेरेंट्स, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। एम हैमल ने पेरेंट्स को क्यों ब्लेम किया, क्योंकि पेरेंट्स उन्हें काम पे भेजते थे, वे उन्हें खेतों पे भेजते थे, उन्हें पढ़ने से की जगह सारे कामों पे लगा देते थे, इसलिए बच्चे क्या थे नेग्लेक्ट थे, इसलिए उन्होंने इस तरीके से पेरेंट्स को ब्लेम किया। उन्होंने खुद को कैसे ब्लेम किया, उन्होंने खुद को ब्लेम किया कि जब भी उन्हें फिशिंग करने का मन करता था वो बच्चों को छुट्टी दे देते थे, वो बच्चों से अपना खुद का काम कराते थे पढ़ाने की जगह, ये सारी चीजें उन्होंने खुद पे ब्लेम लिया, इस तरीके से उन्होंने खुद को ब्लेम किया। विल दे मेक देम, फिर से क्वेश्चन रिपीट, ये चीज आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन नए होंगे आंसर सेम होंगे, कई सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे दो तीन हेल्पिंग वर्ब्स चेंज करके वर्ड को आगे पीछे कर दूं तो वो एक नया क्वेश्चन है, या थोड़ा सा दूसरा मीनिंग का, सेम मीनिंग का दूसरा सेंटेंस ले आऊं तो वो अलग क्वेश्चन है, बट आंसर आपको वही लिखना है जो इस क्वेश्चन का आंसर है, इसलिए आंसर सेम होंगे क्वेश्चंस अलग होंगे। सो ये जितने क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लाया हुआ है उसको आप एक बार डिस्कस कर लेंगे हम, उसके बाद आपको नए क्वेश्चंस जो है सारे इजी लगने लगेंगे। बस एक बार आपको बुक रीडिंग जरूर करनी, इससे क्या होगा आपका रीडिंग डेवलप होगा कि किस तरीके से पढ़ना है, थोड़ी सी इंग्लिश वर्ड पावर इंप्रूव होगी एंड आपको आइडिया रहेगा कि आंसर में वर्ड्स किस तरीके से लिखने हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अब पीवाईक्यूज। अब हमारा टाइम आ गया है पीवाईक्यूज डिस्कस करने का। अब हमको पता चल गया कि कितने अच्छे से हमने इस लेसन को प्रिपेयर किया है। ओके, व्हाई वर सम एल्डरली पर्संस, ओह सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, ओके, Why were some elderly persons occupying the back benches for that day means last lesson वाले दिन। So अभी मैंने बताया कि friends को काफी अजीब लगा कि किस तरीके से क्लास के लास्ट बेंच जो हमेशा खाली रहते थे आज भरे हुए हैं। उसका रीजन क्या था कि फ्रेंच लैंग्वेज का जो प्यार था, फ्रेंच लैंग्वेज के प्रति जो प्यार है, जो रेस्पेक्ट है, वो शो करने आए थे विलेज के बड़े बुजुर्ग। और एम हैमल ने जो 40 इयर्स का एक्सपीरियंस, 40 इयर्स का सर्विस दिया है स्कूल को, फ्रेंच लैंग्वेज को, उसको प्रेस करने, उसकी वैल्यू बढ़ाने, उसका इंपॉर्टेंस दिखाने, उसे लास्ट सैल्यूट देने, ये जो बुजुर्ग हैं वो स्कूल में आए थे। इस तरीके से इस आंसर से डील करेंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, परफेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट चेंजेस केम ओवर लिटिल फ्रेंड्स आफ्टर ही हर्ड एम हैमल्स अनाउंसमेंट। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, एक बार और हम देख लेते हैं कि फ्रेंड्स में क्या चेंज आए, फ्रेंड्स में क्या क्या चेंजेस आए थे। उसको काफी गिल्ट होने लगा, ठीक है, और उसको गिल्ट होने लगा एंड सेकंड हम इसमें लिख सकते हैं कि उसको जो एम हैमल का स्ट्रिक्टनेस है, जो एम हैमल उसको खड़ूस लगते थे,
आज उन पे काफी उसको प्यार आ रहा था, वो जो भी पढ़ा रहे थे उसको अच्छे से समझ आ रहा था। तीसरा चेंज उस पे क्या आया, जो उसके बुक्स थे जो उसे दुश्मन लगते थे, जो उसे बर्डन लगते थे, आज उसके सबसे अच्छे दोस्त लगने लगे। तीन अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं एम और फ्रेंड्स में, यही तीन चेंजेस आई थी जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। हाउ वर द पेरेंट्स एंड एम हैमल रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल्ड्रंस नेग्लेक्ट ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। अब यहाँ पे देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, क्वेश्चन अलग होता है, आंसर सेम होता है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, हमने दो क्वेश्चंस अभी अभी डील किया है। कौन कौन से दो क्वेश्चंस? व्हाई डज एम हैमल ब्लेम द पेरेंट्स, व्हाई डिड एम हैमल ब्लेम हिमसेल्फ। जब इन दोनों आंसर्स को हम जोड़ेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे सामने आ जाएगा। क्लियर? सो उन दोनों आंसर्स को जोड़ के इस क्वेश्चन का आंसर हम बना देंगे। ओके, हाउ डिड एम हैमल प्रेज द फ्रेंच लैंग्वेज। क्लियर? हाउ डिड एम हैमल प्रेज द फ्रेंच लैंग्वेज। अब ये वो वाला पॉइंट है जब एम हैमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में स्पीच दी। तो इसके बारे में हमने क्या क्या देखा कि उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज को सबसे खूबसूरत लैंग्वेज कहा, उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस बताई कि हमारे प्रिजन के की का काम करेगा। ये पॉइंट जो सेंटेंस है, इस चीज को तो आप लगभग याद कर लीजिए। क्लियर? की टू आवर प्रिजन। अब ये मैंने आपको याद करने क्यों बोला कि इस चैप्टर से रिलेटेड जितने लैंग्वेज के क्वेश्चंस आएंगे, मींस ऐसे क्वेश्चंस जिसमें पूछा जाएगा लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस बताओ, फ्रेंच लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस बताओ, लिंग्विस्टिक चौविनिज्म बताओ, ये सारे जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको अगर ये लाइन आपने ऐड कर दिया तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, सिर्फ ये एक लाइन। क्यों? क्योंकि ये लाइन इस पूरे स्टोरी में मेन लाइन है। सो इस लाइन को आप ऐड कर दीजिए, आंसर चेक करने वाले लगेगा कि हाँ इस बच्चे को आंसर आता है और वो आपको फुल मार्क्स दे देगा। सो ये लाइन आपको नोट करके रखना है। ऐसे में कई सारे आपको लाइंस हर चैप्टर से बताऊंगा, एंड एग्जाम जब एंड होगा, एग्जाम सेशन जब हमारा आएगा दिसंबर जनवरी टाइम पे, तब हम एमसीक्यूज के सेशन लेंगे, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस के सेशन लेंगे, अनसीन पैसेजेस की प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यूज की स्पेशल क्लासेस होंगे इंग्लिश इस चैप्टर से रिलेटेड, एंड शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जाएगा ऐसे लाइंस का, ऐसे छोटे छोटे फ्रेजेस का, जिससे को आप अगर आंसर में आपने यूज किया तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे कि हाँ बच्चे को आंसर आता है, बस आपको ये फ्रेजेस जो है वो याद कर लेने हैं एंड आपको वहां पे आंसर में इसको चिपका देना है, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेज द फ्रेंच लैंग्वेज पे हम डिस्कस कर रहे थे, तो उन्होंने सबसे खूबसूरत लैंग्वेज बताया, की टू अवर प्रिजन उसको कहा, एंड हम कह सकते हैं कि हमारा जो स्ट्रेंथ और यूनिटी है वो हमें हमारे नेटिव लैंग्वेज से मिलता है, तो यहाँ पे नेटिव लैंग्वेज की जगह फ्रेंच लैंग्वेज हम यूज कर देंगे। इसका आंसर उसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द मदर टंग इंपॉर्टेंट टू अ पर्सन, वॉट डज एम हैमल द टीचर से अबाउट इट। फिर से सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। अब इसमें क्या बताऊं मैं, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है कि किस तरीके से उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज को प्रेस किया, यहाँ पे उन्होंने बोला है मदर लैंग्वेज, तो इनका मदर लैंग्वेज तो फ्रेंच लैंग्वेज है, दोनों क्वेश्चन के आंसर सेम। बस यही मैं बोल रहा हूं कि क्वेश्चंस कई सारे बनेंगे, आंसर एक ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच वॉज एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग दैट दे वाई। अब ये क्वेश्चन का तो मैंने आपको इतना सारा आंसर दे दिया इतने देर में, जो 13 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए उसमें आई गेस तीन या चार बार फ्रेंड्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए, उसमें हमने यही चीज डिस्कस किया कि फ्रेंड्स के में क्या क्या चेंजेस आए थे। सो ये आपके लिए HW। क्लियर? इसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है, डिटेल आंसर मत लिखिएगा, फिर उसमें ज्यादा आपका टाइम जाएगा, बस आपको तीन चार पॉइंट्स लिख देने कि किस तरीके से फ्रेंड्स में जो है वो क्यों उसको समझ आने लगा था, एंड जो बेस्ट आंसर होगा उस कमेंट को मैं सारे कमेंट में ध्यान से पढ़ूंगा, बेस्ट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में पिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड एम हैमल से फेयरवेल टू हिज स्टूडेंट्स एंड द पीपल ऑफ द टाउन। अब ये कैसे उन्होंने किया ये भी हमने डिस्कस किया। सबसे पहले तो वो काफी अच्छा कपड़ा पहन के आए थे, डिफरेंट अटायर था उनका। सेकेंड थिंग, वो सभी के लिए नोटबुक लेके आए थे एंड नोटबुक फ्रेंच नेशनल फ्लैग के साथ था। नेक्स्ट उन्होंने किया कि अपना जो लास्ट लेसन था वो भी काफी अच्छे से पढ़ाया। अगला चीज जो उन्होंने किया वो था फ्रेंच लैंग्वेज में के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने अपनी लास्ट स्पीच में कही, एंड
जब वो पलटे तो उन्होंने बोर्ड पे वाइव लैव फ्रेंड्स लिख के क्लास को एंड किया। ओके, लॉन्ग लिव फ्रेंड्स, ये चार दो तीन चार पॉइंट्स है, ये इस क्वेश्चन के आंसर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन चेंज द सिचुएशन इन द स्कूल, इन द स्कूल। अब ये देखिए, हमने पहले क्वेश्चन पढ़ा कि फ्रेंड्स में क्या क्या चेंजेस आए, अब ये सेम क्वेश्चन नहीं हुआ, ये क्वेश्चन बदल गया। यहां आप नहीं लिख सकते कि फ्रेंड्स गिल्ट फील करने लगा या फ्रेंड्स ये होने लगा, ये पूछा गया स्कूल में क्या चेंजेस आए। तो स्कूल में क्या चेंजेस आए, ये भी हमने डिस्कस किया था, क्या क्या चेंजेस आए। स्कूल में शोरगुल रहता था, वो उस दिन काफी सन्नाटा था, कोई बच्चा कॉरिडोर में दौड़ नहीं रहा था, कोई आपस में बात नहीं कर रहा था, अलग सी शांति थी क्लास में। जो बैक बेंचेस खाली रहते थे, आज उसमें विलेज के बड़े बुजुर्ग आके बैठे हुए हैं, ये एक चेंज था। और एम हैमल अलग कपड़े पहन के आए थे। ये चार पॉइंट्स हो गए, परफेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का बन गया। एवरीबडी ड्यूरिंग द लास्ट लेसन इज फिल्ड विथ रिग्रेट कमेंट। अब इसमें बोला गया है कि जो लास्ट लेसन के दिन था, हर किसी के अंदर एक रिग्रेट था। रिग्रेट मतलब गिल्ट, खुद पे उनको गुस्सा आ रहा था कि आखिर क्यों हमने इस तरीके की चीजों में अपना टाइम वेस्ट किया जो कि यूजलेस थी, उनका कोई आउटपुट नहीं था, और वो टाइम हमने फ्रेंच लैंग्वेज को सीखने में क्यों नहीं लगाया। और यही चीज उनको रिग्रेट हो रहा था कि आज जब फ्रेंच लैंग्वेज हमसे दूर जा रहा है, तो ये सारी बातें उनको याद आ रही थी कि हमने क्यों टाइम वेस्ट किया फालतू की चीजों में और फ्रेंच लैंग्वेज हम नहीं सीख पाए, इसलिए सभी के चेहरों पर रिग्रेट था। छोटा सा आंसर है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का ये क्वेश्चन है। अवर नेटिव लैंग्वेज इज पार्ट ऑफ अवर कल्चर, हमारा जो नेटिव लैंग्वेज है वो हमारे कल्चर का पार्ट है, एंड वी आर प्राउड ऑफ इट, एंड हमें उस पर गर्व है। ये इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट है। अब क्वेश्चन क्या पूछता है ये देखते हैं। How does the presence of village elders in the classroom and M. Hamel's last lesson show their love for French? Okay, so इसमें पूछा गया है कि village elders का presence और M. Hamel का last lesson किस तरीके से हमको बताता है कि उन्हें French language से प्यार था। So अभी तक हमने जितने questions discuss किए हैं, ये सारे questions मिलके इस question के answer बनेंगे। So ये भी आपका क्या है, HW। So इस पेज से हमारे पास दो homework questions हैं, एंड इसके आपको आंसर कमेंट में पिन कमेंट में आपको करने हैं, पॉइंट वाइज फर्स्ट एंड सेकंड करके, कि ये पॉइंट्स में हम आंसर लिखेंगे। एक चीज आप ध्यान दीजिए कि जब आप इंग्लिश का आंसर लिखेंगे तो पॉइंट वाइज आंसर आपको आंसर शीट में नहीं लिखना है, आपको पैराग्राफ वाले आंसर लिखने हैं। कमेंट में तो आप पॉइंट्स लिख दीजिएगा, बस चेक करना है कि आपको इस लेसन अच्छे से समझ आया है या नहीं, बेस्ट आंसर पिन किया जाएगा। So, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। ये दोनों क्वेश्चंस काफी इजी है क्योंकि हमने पीछे इसका डिस्कस किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, बोनस क्वेश्चन। बोनस क्वेश्चन किस लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है कि जितने आंसर्स हमने इतने देर में पढ़े हैं सब मिला के इसका आंसर बनेगा। 100 to 120 वर्ड्स का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, और जो पिछला क्वेश्चन था वो भी लॉन्ग आंसर का था। ओके, अब इसका आंसर हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ओके, सो व्हेन पीपल आर एनस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। इतने देर से जो मैं आपको सेंटेंस के बारे में बात कर रहा था, इंपॉर्टेंस बता रहा था, वो फाइनली हमारे सामने आ गया, द की टू देयर प्रिजन। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये सेंटेंस क्या कहता है, जब भी लोगों को गुलाम किया जाता है तो जब तक वो अपने लैंग्वेज पे स्टिक रहते हैं, उनका लैंग्वेज उनके साथ रहता है, तो वो लैंग्वेज उनके प्रिजन के की का काम करता है, उनके उस गुलामी से निकलने के लिए जो चाबी है उसका काम करता है उनका लैंग्वेज। ये तो स्टेटमेंट था। क्वेश्चन क्या कहता है, कैन यू थिंक ऑफ एग्जाम्पल्स इन हिस्ट्री वेयर कॉन्कर्ड पीपल had their language taken away from them or had a language imposed on them? So question हमसे क्या पूछ रहा है, क्या आप किसी ऐसे situation को history का याद कर सकते हैं, सोच सकते हैं, जिसमें लोगों से उनका native language छिन गया हो और उनपे नया alien stranger language उनपे impose कर दिया गया हो, नया language उनके ऊपर थोप दिया गया हो, उनपे डाल दिया गया हो जबरदस्ती। So हम इस पर कैसे deal कर सकते हैं, इस पर हम लिख सकते हैं history का कोई example।
फॉर एग्जाम्पल जब इंडिया इंडिया जब ब्रिटिशर्स का गुलाम था तो भी सेम चीजें हमारे साथ हुई थी, आपको ध्यान होगा, तो आप वो एग्जाम्पल दे सकते हो। सेकेंड एग्जाम्पल आप दे सकते हो इसी स्टोरी का, स्टोरी का एग्जाम्पल का कि किस तरीके से जो प्रूशिया था, प्रूशिया ने जब फ्रांस को हराया था तो जो फ्रेंच में जो फ्रेंच लैंग्वेज को हटा के जो जर्मन लैंग्वेज किया गया था वो चीज हम यहां पे लिख सकते हैं। ये सेकेंड एग्जाम्पल हो गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इस स्टेटमेंट को लेके स्टार्ट कैसे करना है, इस स्टेटमेंट के बेस पे हमको इसका इंपॉर्टेंस लिखना है। किसका इंपॉर्टेंस लिखना है, लैंग्वेज का, हमारे लोकल लैंग्वेज का। एंड वो इंपॉर्टेंस हमको कहां से मिलेगा, वो इंपॉर्टेंस मिलेगा एम हैमल ने जो स्पीच दिया था। अब एम हैमल ने अपनी स्पीच में क्या क्या चीजें दी थी, एम हैमल ने अपनी स्पीच में बोला था कि काफी खूबसूरत लैंग्वेज है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है एंड प्रेजेंट टू अवर की है। क्लियर, ये सारी चीजों को जोड़ के 100 टू 120 वर्ड्स का एक प्रॉपर सा आंसर कुक होगा हमारा एंड उस पे हमको फुल मार्क्स मिलेंगे। इस तरीके से आपको डील करना है। क्लियर, बहुत ही सिंपल है। एंड अब जितने क्वेश्चंस हमने यहां पे डील किए हैं इससे बाहर के आंसर्स आपको नहीं मिलेंगे, क्वेश्चन आएंगे बट उनके आंसर्स भी इसी के अंदर से होंगे। क्लियर, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि कोई भी नया क्वेश्चन आप लेके आइए आंसर में इन्हीं क्वेश्चंस में से किसी एक क्वेश्चन का आंसर उस पे दिया जाएगा। एंड ये मैं आपको गारंटी देता हूं कि ऐसा ही होगा। सो ये सेशन काफी अच्छा, कुछ और, दैट्स इट, काफी अच्छा सेशन था, बहुत ही अच्छा सेशन था। एंड अब आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, जितने भी एक्स्ट्रा चीजें हैं आपको वो भी हम ही कराएंगे। आप अपने मेन सब्जेक्ट में फोकस कीजिए, जो इंग्लिश का 95 प्लस टारगेट है वो हम आपको कंप्लीट कराएंगे। एंड एमसीक्यू जितने भी चीजें हैं एग्जाम टाइम पे आपकी काफी अच्छी 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 बहुत अलग स्पेशल सेशंस होगी। अभी आपको फोकस करना है कि इंग्लिश का एक बार सारे जो चैप्टर्स है वो आपको समझ में आ जा रहे हैं कि इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है। तो बस आपको सेशन देखना है। एक रिक्वेस्ट है कि एक बार अपना बुक आप पढ़ लीजिएगा जो स्टोरी है वो, इससे आपको इंपॉर्टेंट लाइंस आपको पता चल जाएंगे। एंड इनके आंसर्स मैंने आपको बताया पीडीएफ में अवेलेबल है। सो दैट वाज इट फॉर टुडे सेशन, मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में, वो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा द लास्ट स्प्रिंग, क्योंकि वो चैप्टर ऐसा है कि आज तक मैंने नहीं देखा उससे क्वेश्चन ना आया हो। उसमें मैं पीवाईक्यू के लिए अलग से क्वेश्चन ही लाऊंगा, उसके सारे क्वेश्चन ही पीवाईक्यू है, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लियर, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, होमवर्क के आंसर जरूर दीजिएगा, मैं सारे आंसर देखूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।